वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे काइन मास्टर से एक बहुत ही अच्छा स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। तो इसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसको कैसे बनाना है और कैसे यूज क्या क्या करना है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हमारी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, सो आपको चले जाना है काइन मास्टर में। देखो, मैं काइन मास्टर ओपन कर रहा हूँ। ये काइन मास्टर ओपन चुका है। ये प्लस वाला आइकन पे हो गया 9.16 क्रेस होगा, ये चॉइस कर लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको करना क्या, आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपको जो जो पिक आपको इसमें एड करनी है आपके स्टेटस में, उसको आपको चूज़ कर लेना है। तो उसको मैं सारी पिकें यहाँ से चूज़ कर लूँगा, जो जो मुझे अपने स्टेटस में डालनी है। सो जो भी स्टेटस वीडियो में आपको जो जो भी डालनी है, वो सारी आपको यहाँ से चूज़ कर लेना। मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लेना फटाफट। ये देखिए, मैं चूज़ कर ले रहा हूँ सारी पिकें। तो इस टाइप से आप भी चूज़ कर लेना, जितनी आपको जितना लंबा ले आना है, जितनी पिक डालनी है, वो सारी आपको यहाँ से चूज़ कर लेनी है। सो अब चूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, इन पिकों को साइज़ को आप इनको सबको क्रॉप पर जाके आपको एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि फुल स्क्रीन पर दिखे। इसी टाइप से आपको सारी पिकों को इसी टाइप से एडजस्ट कर लेना है। और सारी पिकों को फिर आपको यहाँ एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको फिर पिक पे जाना है और आपको ये इसको सबको स्टेटस का साइज़ जितना रखना है उतना उतना इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखिए, मैं सारी पिक पे क्लिक कर करके मैं सबको ये एडजस्ट कर लूँगा। ये देखिए, इस टाइप से आपको एडजस्ट कर लेना है। सिंपली सब ये पिक एडजस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है लेयर पे। सो अब जाना है आपको लेयर पे। ये देखिए, आप जाना है आपको लेयर पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपको मीडियम, मीडियम जाने के बाद ये देखिए, ये मैंने यूट्यूब से डाउनलोड कर रखा है ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स। आप भी डाउनलोड कर लेनी, मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर दे रहा हूँ। आपको भी इसे एडजस्ट कर लेना है आपकी जितना। अब इसको आपको क्लिक करके आपको जितनी पिक पे आपको दिखाना है इसका, उसको कितना रखना है आपको, वैसे इसे भी एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, जैसे कि आप कितना बड़ा या कितना दिखाना चाहते हैं, तो वैसे लिरिक्स आएंगे। तो सो गाइस, आपको इसको एडजस्ट कर लेना आपको अपनी पिक के हिसाब से। और फिर आपको जाना है ब्लेंडिंग पे। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपको स्क्रीन पे जाना है, स्क्रीन पे कर देना है। स्क्रीन पे देखो, आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। सो अब ये देखिए, आपको ये ऐसा चलने को ऐसा चलता हुआ आपको दिखेगा जब ये स्टेटस। तो इसको मैं लिरिक्स के बराबर सारी पिकों को कर लूँगा, थोड़ा कम कम कर दूँगा, जिससे कि जितना लिरिक्स है उतनी ही ये पिकें प्ले होए, उससे ज़्यादा नहीं होए। तो ये देखिए, मैं सारी इस टाइप से कर दे रहा हूँ गाइस, आपको भी इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए, लिरिक्स के बराबर में पूरा कर लूँगा। तो ये देखिए, पूरा लिरिक्स के बराबर में सब पिकों को एडजस्ट कर लूँगा। फिर मैं प्ले करूँगा तो इसमें लिरिक्स पूरे बराबरी दिखेंगे। और आपको ये इसमें सॉन्ग भी रहता है, आप यूट्यूब से इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स डालेंगे तो ये सारी लिरिक्स आपको मिल जाएंगी। सो ये देखिए, अब आपको जाना है पिक पे। सबको एडजस्ट करने के बाद आपको जाना होगा पिक पे। पिक पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको पिक पे जाना है। पिक पे जाने के बाद क्लिप ग्राफिक पे जाना होगा। और क्लिप ग्राफिक पे जाने के बाद आपको वहाँ से बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। सो गाइस, ये देखिए, क्लिप ग्राफिक पे जाने के बाद अब मैं ये सब ग्राफिक मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, आप मैं ये सारे लगा लूँगा। जो जो ग्राफिक आपको अच्छा लगे, वो सारे ये ग्राफिक आप इस पिक अपनी सारी पिकों में इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पर गेट मोर का ऑप्शन है, वहाँ से आप जाके बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ये डाउनलोड कर रखी है, आपको जो जो अच्छा लगे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, ये देखिए, सारी पिकों पे मैं अलग अलग ग्राफिक क्लिप ग्राफिक्स लगा दूंगा, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आएगा और ये स्टेटस देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, आपकी इमेजें बहुत ही अच्छी लगने लगेंगी गाइस। सो ये देखिए, अब मैं सारी पिकों में इसी टाइप से अलग अलग ये क्लिप ग्राफिक्स लगा दूंगा। आपको भी सिंपल इसी तरह से करना है, आपको भी सारी पिकों में इसी टाइप से नए नए ये जितने ग्राफिक्स हैं आप डाउनलोड कर लेना और उसमें लगा देना। इसमें और कुछ ग्राफिक्स इसमें काइन मास्टर में पहले से ही दिए हुए हैं, बट वो इतने खास नहीं है, इसलिए आप इसे गेट मोर पे जाके डाउनलोड करना। ये सारे मैंने गेट मोर पे जाकर डाउनलोड करें। मैं इस पे से भी अगर आपको डाउनलोड करके दिखाता तो नेट बहुत ही स्लो चलता है, इसलिए वो डाउनलोड नहीं होता, टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि इस पे से आप डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो ये देखिए, इस पे आप क्लिप ग्राफिक पे जाके आप सारे ही उस पर बहुत सारे ग्राफिक्स लगा सकते हो और बहुत ही अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हैं, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा एक स्टेटस वीडियो बना सकते हो अपनी इमेज का। और भी बहुत सारी चीज़ों का स्टेटस वीडियो बना सकते हो, इमेज और वीडियो भी लगा कर आप स्टेटस वीडियो बना सकते हो और ये सारे ग्राफिक यूज़ कर सकते हो। देखिए, हिसाब में अलग अलग ग्राफिक्स मैं डाल दूँगा, उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखाऊँगा कि ये कैसा बना है।
तो गाइस और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपको नई नई वीडियो देते रहें। सो गाइस ये देखिए स्टेटस बस तैयार ही होने वाला है हमारा। सारी पिको को इस टाइप से मैंने ग्राफिक्स डाल दिए, आप चेक कर सकते हैं कौन सा ग्राफिक कैसे काम करता है, उस पर आप क्लिक करके देख भी सकते हैं। सो ये सारी पिको में अलग अलग ग्राफिक लगा रहा हूँ, आप भी लगा लेना। तो ये देखिए सारी ही पिको में ग्राफिक्स पूरे में लगा दिए मैंने क्लिप ग्राफिक्स, और अब इसको आपको प्ले करके दिखाते हैं। सो कैसी लग रही है ये देखिए, ये देखिए कुछ इस टाइप से ये प्ले होगी और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। गाइस आप भी ऐसे प्ले करेंगे तो आपको भी इस टाइप से देखने को मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा स्टेटस वीडियो बन चुका है। गाइस ये देखिए आपको ये अलग अलग ग्राफिक्स में ये इमेज आएंगी और वीडियो भी आप डाल सकते हैं। सो मैंने इमेज का बनाया है तो बहुत ही अच्छा बन चुका है गाइस, और आपको अब जाना है ये ऊपर वाले आइकन पर और इस पर जाके आपको सेव कर लेना है। सो गाइस जैसे आप स्टेटस बना सकते हैं, ये देखिए आप इस पर क्लिक करना, आप जाना शेयर पे और शेयर पे जाना एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं सिंपली।